परम सम्मानीय महोदय जी, आप हमारे गांव में आए, हम आपका तहे दिल से, दिल के गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपकी करनी और कठिन में कोई फर्क नहीं है, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी आपकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाएं कोई ऐसे आपके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे आपके अंदाज नहीं, सूरज से दमते हैं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपने जब भी हमारा डेपुटेशन जोगिंदर नगर में मिला था, आपने ये कहा था कि बड़ी जल्द आपको रोड की सौगात मिलेगी। आपने हमारा दुख दर्द समझा, 25 वर्षों का ये कड़ा संघर्ष, हम 25 वर्षों से लगभग दर दर हमने ठोकरें खाई, सांसद महोदय के पास, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, परंतु आज ऐसा लगता है कि वो घड़ियां, वो पल अब हमारे खत्म होने जा रहे हैं। माननीय तहसीलदार महोदय जी, नायब तहसीलदार महोदय जी, आज हमारा ये गांव, आज ये गांव बन गया है कि आज जो रोड की सदियों से चली आ रही मांग वो आपने पूर्ण विराम लगाया है, इसके लिए हम आपके तहे दिल से पूरा जीवन भर आपके ऋणी और आभारी रहेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने की बात करते हैं। हमारा गांव जो है ग्वाला, ऊपरी ग्वाला जो है वो पूरी पृथ्वी में चारों तरफ से रोड से जुड़ जाएगा। यदि ये रोड स्कूल से होकर और नीचे को जाता है तो इसमें खोली गांव, जमथला गांव, ईरू गांव और जो डुंढोल पुल है, जैसे सिमसा माता के लिए लोग जाते हैं, सिंसाई वाले लोग या ढोल वाले लोग, चढ़ार वाले लोग, पंचरुखी वाले लोग और पानीपुर वाले लोग, ये सबसे शॉर्टेस्ट रोड जो होगा वहाँ सिमसा के लिए होगा बाईपास, और ये पॉसिबल रोड बनेगा क्योंकि ग्रेड वाइज और इसमें एंगल वाइज में है वो, मतलब जब हम बचपन में जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमारा पैदल रास्ता हुआ करता था, जहाँ ये रोड कनेक्टिविटी होनी आगे को फर्दर जैसे होनी है, 1.5 किलोमीटर के लगभग हमारा ये छोटा सा गांव और 2 किलोमीटर आगे ये रेस्ट हाउस या नीचे खोली गांव, ये जमथला गांव, ये बीरू गांव के साथ की कनेक्टिविटी होनी है। तो ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो आने वाले समय में ये बाईपास जो है वो बाईपास बनेगा वहाँ सिमसा के लिए, और इस रोड के बन जाने से लगभग 3-4 पंचायतें लाभान्वित होंगी। आज माननीय महोदय जी हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने जो एहसान हमारे ऊपर किया है उसका हम जिंदगी भर ऋण नहीं चुका सकते हैं। हमारे इस भोर पंचायत के गांव वाला के बीच में सदियों से रोड की जो मांग चली आ रही थी, आज उसका शुभ आरंभ जो है हमारे आदरणीय हिमाचल सरकार कांग्रेस के सचिव जीवन ठाकुर जी के शुभ अवसर पर इन्होंने जो आज इसका शुभ आरंभ किया। मैं सबसे पहले पूरी पंचायत के तरफ से और इस गांव ग्वाला के युवक मंडल, महिला मंडल, पूरे गांव ग्वाला की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए मेरे अतिथि प्रधान संजय चौहान जी, विवेक जसवाल जी, अजय बरवाल जी, ज्ञानचंद जी और भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए तहसीलदार साहबान, नायब साहब और एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ
आईपीएच और भिन्न भिन्न इन विभागों से आए हुए जय साहबान और कर्मचारी वर्ग और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका अपने इस गांव ग्वाला के बीच में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं पुनः एक बार फिर सचिव अपने छोटे भाई जीवन को बधाई देना चाहता हूं। ये जो इस ग्वाला गांव की रोड की समस्या थी, हमने पता नहीं कितनी बार कितने मंत्रियों के पास गए, विधायकों के पास गए। आज जो आपने जो काम किया है, इसके लिए ग्वाला गांव जो है आपका ऋणी रहेगा। और बहुत पंचायत की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम सब आपके ऋणी रहेंगे। और ये जो मेरे छोटे भाई गुलशन ने समय को भाव को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को थोड़ा क्लोज करूंगा कि मेरे छोटे भाई गुलशन ने जो कहा, इस भाई ने बहुत संघर्ष किया इस रोड के फॉरेस्ट इस साइड से भी और उस साइड से भी। इसने पूरी क्लियरेंस जो कि जमथा खोड़ी से होता हुआ रोड भड़ोल में अटैच करेगा, काफी पहले की ये एनओसी उन्होंने ली थी। आज इसका जो विधिवत जो भूमि पूजन हुआ, इसके लिए मैं पीडब्ल्यू विभाग का और आदरणीय जीवन ठाकुर जी का पूरी पंचायत की तरफ से और गांव ग्वाला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हर दिन कोई ना कोई भूमि पूजन होता है। तहे दिल से जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सचिव जीवन ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र आपकी आन बान शान सभी जिस विधानसभा क्षेत्र को आप आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए हम सभी पूरे क्षेत्रवासी आपके ऋणी रहेंगे। आप इसमें आप सभी के चेहते व प्रिय बने हुए हैं, क्योंकि जहां जहां कहीं भी रोड निकले हैं वो आज तक ना तो सांसद महोदय ने निकाले, ना मंत्रियों ना विधायकों ने। ना तो आप सांसद हैं, ना तो आप मंत्री हैं, ना तो आप एमएलए हैं, फिर भी आप देखिए, आपकी पावर देखिए, आपकी पकड़ देखिए कि आप एक केवल मात्र एक सचिव होने के नाते आप इतना बड़ा इस विधानसभा क्षेत्र को ऊंचे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई भी जो है वो राजधर्म या कोई भी एक समाज सेवा नहीं है। असली भगवान हम बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो आज हमारे भगवान साथ खड़े हैं, हमारे भगवान सामने आए हैं, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी आज तक, हमने दर दर की ठोकरें खाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ठाकुर जीवन जी, सम्मानित मंच और अलग अलग पंचायतों के आए हुए प्रधान उपप्रधान वार्ड पंच और गांव ग्वाला की प्रबुद्ध जनता को मेरा नमस्कार। आज मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं गांव ग्वाला के युवक मंडल का धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ दो बातें आपके समक्ष रखूंगा, और जो आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं इनका परिचय आप सबको पता है, लेकिन एक ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे जोगिंदर नगर के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जीवन ठाकुर का नाम चला हुआ है, इस चीज से कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है। अभी उपप्रधान लड़ ढोल ने कहा कि यहाँ पर जो है विधायक रहे, सांसद रहे, जिला परिषद आपके पंचायत के रहे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस पंचायत का था, इस गांव का था कि ये 1 किलोमीटर का रोड आज दिन तक कोई नहीं बना सका। मैं
जीवन ठाकुर जी का सल्यूट करता हूँ कि जिनके पास ना कोई पद है, ना ये विधायक है, ना सांसद है, ना ये जिला परिषद है, ना प्रधान है, उसके बावजूद भी इनके आशीर्वाद से ये काम आज विधिवत इसकी पूजा अर्चना हुई और बड़ी जल्द ये रोड जहाँ तक बनना है उसका भी उद्घाटन जो होगा वो इनके ही कर कमलों के द्वारा होगा, ये मेरा मानना है। मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं बोलूँगा। मैं महिला मंडल जो ग्वाला है, मैं जीवन भाई को ये बताना चाहता हूँ कि ये महिला मंडल जो है बड़ा खतरनाक महिला मंडल है। इस महिला मंडल ने जीवन भाई अपना ये जितना भी इनका ग्वाला गांव है यहाँ पे ये शराब अलाउड नहीं है इसका, और जिसके लिए जो हमारे विधायक थे इन्होंने उनको पैसे भी दिए थे, इस कारण पता नहीं अब चल पड़ा कि क्या है, लेकिन पीछे ये सुर्खियों में था कि यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते थे उनका शराब इन्होंने बंद किया था। तो मैं अपनी माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ आपने इनको छूट दी होगी तो उसको फिर से जो है प्रतिबंध आप लगाएं, क्योंकि नशा जो है बड़ी खराब बीमारी है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, और ये जो शख्सियत आपके सामने बैठी है ये वो शख्सियत है, जब लोग अपने घरों में छुप गए, जब कोरोना जैसी महामारी आई, लोग जो है अपने घरों में जब दम तोड़ रहे थे, भाई भाई के साथ बात नहीं कर रहा था, तब एक शख्स पूरे जोगिंद्रनगर विधानसभा में घूम रहा था, उनका नाम है जीवन ठाकुर। और जब त्रासदी आई, जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनी, जैसे ही त्रासदी आई, तो जीवन ठाकुर जी ने हमारे यहाँ पे जो मट्टा ठाणा है वहाँ पे जो स्लाइडिंग हुई, उनके बच्चे जो भी जो परिवार बाहर हो गए उनके लिए इन्होंने जो है अपनी निजी कमाई है उससे जो है धन एकत्रित करके उनको जो है खाना पहुँचाया, उनको रहने की सहूलियत दी। नायब साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी साथ रहे, तो ऐसे व्यक्ति का हमें सहयोग करना चाहिए। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने हर व्यक्ति को देख लिया, हमने करोड़पति आदमियों को भी देख लिया, रोडपति आदमियों को भी देख लिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमें एक बार परखना जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। गाँव गरीब मजदूर और पिछड़े सभी जो लाचार व्यक्ति हैं, सभी के मसीहा में मेरा मानना है, सभी के मसीहा जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की आन बान शान हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई जीवन ठाकुर जी मंच पर विराजमान, तहसीलदार लड़भोल श्री उर्मिला जी, SDO PWD पवन गुलेरिया जी, SDO IPH देश बंधु जी, विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, सिमस पंचायत के प्रधान हमारे मामा जी हैं विवेक जसवाल जी, बहुत ही ऊर्जावान प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई अजय बरवाल जी, बढ़ियारा पंचायत के प्रधान श्री ज्ञान जी, और सभी सम्मानित मंच, मैं ज़्यादा नाम लेने लगूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, सभी अभी मैं नाम काफ़ी लेना चाहता था, समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी व मीडिया बंधु सभी को मैं यहाँ पर ग्वाला के इस कुड महादेव माँ सिमसा के प्रांगण में आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अब जितना बोलूं उतना कम है, जिनकी तारीफ जो लंबे समय से इस गांव की, जब मैं स्कूल में कुछ समय के लिए पढ़ाता था तो ये हमारे भाई गुरसिंह जी इस बात का जिक्र किया करते थे कि हमारा रोड, और कुछ समय तक ढाई साल करीब विधायक जी के साथ जब चला तो इन्होंने कई बार डेपुटेशन वहां पर लाए और कई बार इन्होंने इनके आग्रह किया कि इस रोड को जो है निकाला जाए, तो आज लंबे अरसे से जो इनकी मांग थी उसको पूरा करने में जो सफल हुए इन प्रयासों को, इनके अथक प्रयासों से और पंचायत के प्रयासों से जो आज इस कार्य को करने में सफल हो गए हैं, वो उनकी तारीफ में मैं जितना बोलूं उतना कम है। हमारे
भाई साहब जीवन जी ने आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग मैं समझता हूं कि इस वक्त 35 से 40 रोड जो नए कंस्ट्रक्ट आधे हो चुके हैं, आधे हो रहे हैं और आधों का भूमि पूजन आज आपके समक्ष ग्वाला का भूमि पूजन हो रहा है। और वो ऐसे रोड थे जो वर्षों से, लंबे समय से, 50 वर्षों से जिन कामों की मांगें चलती आ रही थी, कई प्रकार की उसमें डिफिकल्टीज थी, उसको करने में जो ये सफल हुए हैं बिना किसी ओहदे के, बिना किसी राग द्वेष राजनीति से, राग द्वेष की राजनीति से ऊपर उठकर जो इन्होंने कार्य किया है और ये इस वक्त कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। जो हर एक गरीब तक की आवाज़ को सुन रहे हैं और हमारा माकन भगला रोड आप देख लो, जो कि बड़े लंबे समय से मांग चलती आ रही थी, जो 20 किलोमीटर का सफर खत्म हो गया, इसके लिए मैं एक बार फिर इनके लिए बधाई देता हूँ। उसके बाद सिम्मस, अपना माकन सिम्मस, बरोल सिम्मस की भी बहुत जल्द भूमि पूजन किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई साहब ने जो काम इस वक्त शुरू किए हैं तो आने वाले समय में मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबका इस मंच पर मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया भाई गुलशन जी का भी मैं और समस्त ग्वाला वासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। इस गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोग आज कांग्रेस पार्टी पर अपनी आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका एक एक करके नाम लूंगा। कृपया मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि से, जीवन ठाकुर जी से, कि उन्हें हार पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत करें। सबसे पहले अजय ठाकुर जी, पूर्व प्रधान गांव ग्वाला, इनका कांग्रेस पार्टी में जीवन ठाकुर की अध्यक्षता में स्वागत है। अजय ठाकुर का कांग्रेस परिवार में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके बाद शेर सिंह वार्ड पंच, शेर सिंह जी से निवेदन है कि मंच पर आए। धर्मचंद वार्ड पंच, ये सब लोग जीवन ठाकुर की कार्यशैली से प्रभावित हैं कि वो नेता नहीं, वो ऐसे इंसान हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा विनोद कुमार जी और अनिल कुमार जी भी मंच पर आ जाएं। विनोद कुमार और अनिल कुमार, इनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और जीवन ठाकुर जी से हार पहनाकर कांग्रेस परिवार में अपनी सहमति दें। इन सब का कांग्रेस परिवार में स्वागत है और इनको आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में इनका इस परिवार में पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आप एक ऐसे नेता के साथ आपने अपनी सहमति दी है जो नेता नहीं है, गरीब परिवार से उठा हुआ है और मतलब हर वक्त उन्हें रात को भी यही चिंता रहती है कि किस रोड पे अभी कहाँ पे ऐसी समस्या है कि जो गांव अभी रोड से नहीं जुड़ा है। तो ऐसे नेता आपने अभी तक नहीं देखे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि जी से, इससे पहले मैं आपको रोड बनाया इतनी खुशी है तो मैं नारे लगाऊंगा, दो तीन आपने मेरे साथ देना है। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़ा करके, क्योंकि रोड की समस्या 20 सालों पुरानी है। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।